हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रियंका, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले यानी कि चना मसाला। आज आप मेरे वीडियो पे देखेंगे मैंने छोले को प्रेशर कुकर में बनाया है और इसमें बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो ये सिंपल इजी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मेरी इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोले ले लिया है 250 ग्राम्स। इसको मैं रात भर भिगो के रखा था, ये अभी तक बॉईल नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन पेस्ट कर लिया था 1 लार्ज ऑनियन को। यहाँ पे मैंने टोमेटो पेस्ट कर लिया है 1 स्मॉल। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये मैंने होममेड बनाया है। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ 2। या इसको मैंने चॉप पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून एंड काश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ड्राई स्पाइसेस ले लिया है 1 ड्राई चिली, 2 बेलीव्स यानी तेज़पत्ता, 3 पीसेस क्लोव्स यानी कि लौंग, 3 पीसेस छोटा इलायच यानी कि कार्डामम, 3 पीसेस दालचीनी यानी कि सिनेमन एंड 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करूँगी। एंड यहाँ पे मैं जावित्री यानी कि जैत्री ले लिया है थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो, आपके पास अगर नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिना भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्स्ड कारी सीजनिंग ले लिया है, ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर छोला मसाला है तो आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, ये बहुत मैंडेटरी है इस रेसिपी में, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। एंड यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी मैं। एंड यहाँ पे मैं टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून एंड रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने शुगर ले लिया है 1/2 टीस्पून एंड यहाँ पे आमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो, इसको भी मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने व्हाइट ऑयल सनफ्लावर ऑयल में बनाऊँगी, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए प्रेशर कुकर गर्म हो गया है, मैंने अभी ऑयल डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून ऑयल डाला था। एंड यहाँ पे मैंने ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर दिया है, देखिए फ्राई हो गया है। अभी मैंने ऑनियन पेस्ट को ऐड करूँगी। ऑनियन को लाइट मीडियम फ्लेम में ऐसे कुक करना है अच्छे से। देखिए अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून शुगर मैंने ले लिया था तो वो मैं ऐड करूँगी। इसको मैं, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम में इसको कुक करना है। देन मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से मिला लेंगे। एंड 1 मिनट के बाद मैं टोमेटो पेस्ट डाल दिया है, तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो ऐसे इसके बाद मैं ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। तो अगर मसाला ड्राई हो जाए तब इस टाइम आप हॉट वाटर ऐड करूँगी मैं। मैं हमेशा जब सब्जियाँ कुछ बनाती हूँ मैं हमेशा हॉट वाटर यूज़ करती हूँ, इसमें बहुत टेस्ट अच्छा आता है। देखिए कितना अच्छे से कुक हो रहा है। अभी मैंने ग्रीन चिली को ऐड कर दिया है, देन अच्छे से मिला लेंगे। देन मैं यहाँ पे टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। देन इसको अच्छे से मिला लेंगे एंड देन थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। तो इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम में ऐसे ही विदाउट सीटी में इसको कुक करना है। तो हो गया है, तो देखिए 1 मिनट हो गया है। मैं अभी छोले को ऐड कर रही हूँ, देन अच्छे से मिला लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है। देन मैं यहाँ पे मिक्स करी ऐड कर रही हूँ, आपके पास अगर छोला मसाला है वो ऐड कर दीजिएगा। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। देन मैं अभी यहाँ पे वाटर ऐड करूँगी, जितना ग्रेवी आप चाहिए वो हिसाब से वाटर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, जितना सॉल्ट चाहिए वो दे दीजिएगा।
दिन मैं जो पानी गर्म करके रखा था बॉईल करके वो मैं ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। आप अपना जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी दीजिएगा, देन अच्छे से मिला लेंगे। देन मैं प्रेशर कुकर को ढक के 6 से 7 सीटी तक मैं इसको कुक करूँगी। इसको मीडियम फ्लेम में कुक करना है। अभी मैं देखिए 7 सीटी मेरा हो गया है, तो अभी मैं ओपन कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसको केयरफुली ओपन कीजिएगा, जब पूरा ठंड हो जाएगा तब ओपन कीजिएगा। मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया है, जो हाफ टी स्पून ऐड करूँगी वो दे दिया है। अभी मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है। तो इसको 1 मिनट थोड़ा सा कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में, देन हो जाएगा मेरा चना मसाला। बहुत अच्छा बनता है, ऐसे मैं जिस तरह से बना रही हूँ उसी तरह से ट्राई करके देखिए एक बार। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं अभी इसको टेस्ट कर रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छे से कुक हो गया है। मैंने 7 सीटी लगाया था क्योंकि मैंने पहले भिगो के रखा था, बॉयल नहीं किया था। आप अगर पहले बॉयल करके रखते हैं तो इसको इतना सीटी मत दीजिएगा। तो देखिए मैं सर्व कर रही हूँ 5 मिनट्स के बाद। कितना अच्छा मेरा चना मसाला बन के तैयार हो गया है, लुकिंग यम्मी। बहुत अच्छा बनता है ऐसे स्टाइल में अगर बनाएंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स से लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बना था गाइस, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रोटी पराठा नान ये सब के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबको बहुत पसंद आता है। और छोले मसाला कभी कभी कीमा के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स से लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मुझे आपका कमेंट्स एंड लाइक का इंतज़ार रहेगा। तो मैं फिर मिलती हूँ कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।